हम अपने मर्जी से तुमसे शादी किए, मेरा घर वाला नहीं बोला था कि तुमसे शादी करो, ठीक, हम अपने मर्जी से शादी किए। चलो मर्द आप उठ करके बहुत बात कर चुके, अब तुम काम से ही बात होगा, चलो चुपचाप आओ तुम लेना, हम चलेंगे, हम कुछ करेंगे तो तुम्हारे नाम तो हम एकदम लिख कर जा रहे हैं कि हम आरजू मलिक अपने पति के कारण अपना जान दे रहे हैं, एकदम साफ साफ लिख के जाएंगे। कल के दिन हमको कुछ होगा तुम जाएगा, और मेरे अकाउंट से 1 रुपया तुम नहीं निकालेगा, अगर तुम निकालिए तो फिर तुम पे हम और केस ठोकेंगे। अब प्रॉपर्टी जितना सब मेरे नाम पे रहेगा, 2 हिस्सा में नहीं रहेगा, बबली के नाम पे कुछ नहीं रहेगा। अगर रहना है मेरे साथ रहना है तो सारा प्रॉपर्टी, एक एक काम, एक एक चीज मेरे नाम पर रहेगा। हाँ सारा चीज हम तो तैयार है, कहा ठीक है, तुम आओ तो पहले कुछ ना कहे, क्योंकि हम पूरा परिवार ब्राह्मण सब चीज छोड़ के तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो हमको भी रहना है, तो हमको एक एक चीज उसमें सब चीज चाहिए कोर्ट में लिख के कि सब चीज मेरा नाम पे है, सब कुछ मेरा है। रोज तुम बबली से मिलने जाता, बेटा से मिलने जाता, स्वेटर देता, रात में 10 बजे बबली से मिलने जाता है तुम, और बता रहा कि तुम बबली से मिलता नहीं, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हम किसे मिलने जाते हैं बबली से? हाँ तो बेटा से मिलने जा रहा, बेटा को तुम रोज नया नया कपड़ा स्वेटर खरीद के दे रहा, और बता रहा कि तुम बबली से मिलता नहीं है, तुम्हारा रिश्ता नहीं है। कौन है अर्जुन मलिक, क्या है अर्जुन? बस अर्जुन मलिक एक किसान का बेटा है जो हक की लड़ाई लड़ता है, और जैसे भी हैं आपके सामने हैं, आप खुद देख रहे हैं जी। आज हम सब रूबरू हैं कि हमारे बोकारो में आजाद नगर में क्या हुआ, 2 मकानें टूटी और उन मकानों के टूटने का कारण बताया गया अतिक्रमण, और वो मकानें कहीं ना कहीं लिंक रखती हैं आपसे, तो अतिक्रमित क्षेत्र है तो और भी है, मकाने और भी हैं, लेकिन वो 2 मकाने क्यों? इसका जवाब तो हमसे अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमसे व्यक्तिगत बोकारो एसपी श्री चंदन झा जी ये व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो आप उसका अनुसंधान करिए ईमानदारी से, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो न्यायालय जो मुझे सजा देगा मैं उसे तहे दिल से स्वीकार करूँगा। ऐसे आप ये तो व्यक्तिगत लड़ रहे हैं, चूँकि लड़की भी ब्राह्मण थी जिससे मैंने शादी किया संध्या मिश्रा से, वो भी ब्राह्मण, और एसपी श्री चंदन झा भी ब्राह्मण, तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल रहा तो आज़ाद नगर में बीएसएल की ज़मीन पे 3 लाख घर है, 3 लाख में 2 ही घर को चिन्हित किया जाता है, जो हमारे बहन के घर पे बुलडोजर चलाया, और बोकारो एसपी चंदन झा जी जो टीआरपी अपना बढ़ा रहे हैं कि आरजू मलिक घर पर बुलडोजर चला दिए, वो अपने टीआरपी के लिए दे रहे वो चीज़, सच्चाई तो ये है कि हमारा घर तो 6 महीना पहले ही कुड़की जब्ती कर चुके थे, और आज किन कारणों से हम पे एक व्यक्तिगत एक दुश्मनी निभा कर मेरी पत्नी से केस करवा दिया, श्री चंदन झा जी करवाए व्यक्तिगत जी। धर्म पत्नी आपकी है? जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ऐसी किन दबावों में आके उनको ये कदम उठाना पड़ा? बस कुछ चरित्रहीन हो गई थी जिसके चलते ये नौबत आया। और आपकी शादी के कितने दिन हो चुके थे? शादी के मेरे 1 साल। एक साल, एक साल के बाद ऐसा हुआ? हाँ। और आज 2 साल हो चुके हैं उन केस को? जी जी। और अगर देखा जाए तो केस में अभी तक हमने कुछ पुख्ता सबूत नहीं देखी, तो क्या क्या ये दर्शा रहे हैं? अब देखना क्या चाहते हैं केस में, हमने आपके एसपी महोदय से मांग किया था, एसपी साहब से एक सवाल किया था, एसपी साहब जो संध्या मिश्रा के गोद में जो बच्चा है वो किसका है वो आप मुझे बता दीजिए। वो बच्चा का जन्म 1 अप्रैल 2019 में हुआ था, बस एक सवाल मैंने पूछा था, वो बच्चा किसका है? किसका है वो बच्चा? वो मेरा बेटा है, वो बेटा मेरा है, तो संध्या मिश्रा किस हैसियत से देखने गई थी, ये सवाल तो आप खुद पूछेंगे ना एसपी महोदय से। मैं तो उसका सर्टिफाइड आपको 100% देता हूँ कि वो मेरा बेटा है। हमने ये भी सुना था कि जो आपकी दोनों पत्नियाँ हैं वो एक वक्त पे पड़ोसी भी रह चुकी हैं। एक वक्त ने 20 साल कंटिन्यू दोनों पड़ोसी रही हैं, और दोनों के फादर रेलवे एम्प्लॉय हैं, दोनों के फादर रेलवे एम्प्लॉय हैं। और कई ऐसी भी बातें कही गई हैं जो कहीं ना कहीं अगर हम केस में लिखे हुए बातों को देखें और अगर सबूतों पर ध्यान दें तो दो तरफा ये किस्सा दिख रहा है। दो तरफा नहीं, 95% का डिफेंस हो जाएगा।
95% का डिफरेंस हो जाएगा उनके जो डायरी चार्जशीट जो, और हमारे साथ जो लोग थे जिनका चार्जशीट सबमिट हुआ है न्यायालय में उसमें, और उनके FIR में डायरी में देख लीजिए, और मेरे जो मेरे पास एविडेंस है उसको मिला दिए 100 में कहाँ किधर चला जाएगा आप खुद इसका अंदाजा लगा। जिस मकान का जिक्र किया गया है उस केस से संबंधित में, तो वहाँ से हमने क्या सुना है, मकान मालिक क्या कह रहे हैं? आपने मकान मालिक के स्टेटमेंट कहीं डायरी चार्जशीट में पढ़े हैं? क्योंकि डायरी में ना चार्जशीट, डायरी में कहीं पर ये सबमिट नहीं किया कि मकान मालिक ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, क्योंकि उनसे जब पूछताछ करने के लिए उन्होंने अपना सच्चाई बता दिया, तो सच चीज़ को तो चंदन झा जी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पता है किया ही नहीं गया है, वो केस में लिखा ही नहीं गया है, उनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। या कोऑपरेटिव में मान लिया हम एक साल रहे हैं अपने वाइफ के साथ, कोऑपरेटिव में एक आदमी का दिखा दे किसी का स्टेटमेंट हो, 304 प्लॉट के इर्द गिर्द के लोग का दिखा दे नहीं है। अगर वो दो बोलती है कि हम कॉलेज गए थे, तो 6 जनवरी उसी प्लॉट का, उसी रूम का, उसी फ्लैट का फोटो कहाँ से आ गया? भाई आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया और मोबाइल पर, बहुत सारा ऐसा चीज़ निकल गया है कि जिसमें डेट तारीख सब आ जाता है, जिसे हम आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। 2 सालों के बाद इतना कुछ हो रहा है, बीच में लोग लगता है गायब हो गए थे। क्योंकि अगर हम भी बोकारो एसपी चंदन झा के लिए, उनके भी हम जो लोहा का पैसा है, कोयला का है, अवैध वसूली करके ला कर देते उनको, तो हमसे अच्छा कोई नहीं लगता अर्जुन मलिक से अच्छा। आप लगातार हमारे बोकारो एसपी चंदन झा जी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि आप उनकी बिंदुओं में कैसे पहुंचे? हम रेलवे कॉन्ट्रेक्टर हैं, और आए दिन अगर आप झारखंड से आए हैं बोकारो शहर से, आप अच्छी तरीके से अवगत होंगे, जो रेलवे का कॉन्ट्रेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा अपराधी के रेडार पर आता है, और वो सबसे ज़्यादा रंगबाजी रेलवे कॉन्ट्रेक्टर से ही मांगा जाता है। तो उसके लिए स्पेशल क्राइम मीटिंग में रेलवे कॉन्ट्रेक्टर को देखा जाता है, उसके ऊपर पहली निगाह आती है, प्राथमिकता रहती है प्रशासन लोग का कि रेलवे ठेकेदार एक रेड लाइट, तो उसकी वजह से हम बड़ा बड़ा काम करते थे, सारा जोनल हम करते थे, साउथ ईस्टर्न में बोकारो का BKC का जो भी काम निकलता था 4 साल से जोनल हम करते थे, 4 जोनल, एक जोनल नहीं, हम 4 जोनल करते थे, जिसके चलते हमें लोग पहचानते हैं कि वहाँ मेरा पैदाश हुआ झारखंड में, स्कूल लाइफ चला, कॉलेज लाइफ चला, और लोग हमें जानने लगे। कि धर्मपत्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ, उन्होंने केस किया, किन दबावों में किया, और कब से आपको ऐसा महसूस, आप साथ रहते थे उनके, तो आपको भी महसूस होता होगा कि वो आपके प्रति कैसा व्यवहार रख रही हैं? नहीं नहीं, कुछ बिंदु पे बात होती थी, जब हम उसको देखते थे तो उसको समझाते थे, और जब सर से पानी ऊपर उठ गया तो फिर एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन लिया गया था। क्या आपके पास ऐसा सबूत है या प्रूफ है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि ऐसा है? मेरे पास तो बहुत सारा सबूत है, और हमने तो आपके SP महोदय से, खासकर बोकारो के SP से जो बहुत कुछ गुहार लगाए, कहाँ सुने ये अगर हम पे केस बनता है, आपने अनुसंधान किया नहीं किया? भाई मेरा सवाल है कि अगर हम पे कोई FIR हो रहा तो आप उसका अनुसंधान कर लीजिए सही से। बहुत सारे झारखंड के सैक लोग फरारी हैं, किनका घर आप सुने कि बुलडोजर चल गया है? किनका घर सुने आपने बोकारो के सरजमी पे कि बुलडोजर चला? किसी एक का नाम बताइए। ये सवाल हमसे अच्छा आप अपने अगर शहर के SP से पूछते ना तो अच्छा लगता। हम कमज़ोर लोग, हम किसान के बेटा, SP साहब कहते हैं कि हमको धमकी दे रहा है, यार हम किसान के बेटा हैं, हम IAS IPS से लड़ सकते हैं, हम कोई मिनिस्टर थोड़ी है। बस आरजू मलिक के क्रम से जानते हैं हम, आरजू मलिक हमेशा गरीब के लिए लड़ाई लड़ा है, हक की आवाज़ उठाया है, आज हमारे ऊपर बीत रहा है तो मैं तो लड़ रहा हूँ। मगर एक सवाल ये भी है कि एक हाथ से ताली ना हमने कभी बजते हुए देखा ना आपने कभी देखा। ये तो आपके SP चंदन झा ही जवाब देंगे हमसे अच्छा, एक हाथ से ताली का बजता कि नहीं बजता। मेरे हिसाब से आपके SP महोदय एक हाथ से ही ताली बजाते हैं, मैंने जो जान रहा हूँ इस वक्त परिस्थितियाँ जो हमारे साथ है, ये सवाल उनसे पूछे। और आपने काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए हमारे SP साहब पे कि कोयला चोरी हो या लोहा चोरी हो उनमें भी उनका हाथ रहता है, आप कैसे इन बातों को कह सकते? ये मैं नहीं कहता हूँ, यूट्यूब कहता है। याद होगा आपको हमारे झारखंड के CM थे श्री रघुवर दास जी, याद होगा जी, उस दिन को भी थोड़ा सोच लीजिए। इस वक्त अगर हम कुछ कह रहे हैं उसमें कितना % सच्चाई है, सच्चाई तो कोई नहीं जान सकता है, पर आवाम जानती है झारखंड के।
जब आपके एक मुख्यमंत्री जब पूछती हैं उनसे सवाल कि तुमको आईपीएस किसने बनाया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब कह रहा है, आपके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के हैं रघुवर दास जी, ठीक है, मैं जान रहा हूँ उस चीज़ को। आज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कोई सीएम अगर किसी के प्रति बोल रहा है तो वो कैसे बोल रहे हैं। अगर आरोप की बात की जाए अर्जुन जी, तो जो आरोप आपकी धर्मपत्नी ने आप पे लगाया है वो काफ़ी संगीन है। गुजारिश करता हूँ कि अगर अर्जुन मलिक अगर दोषी हैं तो इस तरह के आरोपियों को फांसी होना चाहिए और मुझे भी होना चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ तो अगर मेरे साथ मैं वैसा नहीं किया हूँ और मेरे साथ व्यक्तिगत एसपी आपके चंदन झा जी लड़ रहे हैं तो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सीबीआई जांच करवा दे रहे हैं, सीबीआई जांच करवा दे, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। हमने तो एविडेंस हमने आप मुसलमान हैं लेकिन प्यार तो आपसे ही किया था, तो हम तो धर्मपत्ति बना कर रखे थे, उसको सम्मान के साथ रखे थे, उसको किस चीज़ में कमी दी, कहीं तो कमी नहीं दिए। हमारे फेसबुक पे आप देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ देखे होंगे और आपको पता होगा, ऐसा है हमें नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा उसके बारे में। ये केस हम पे बनाया गया है, ठीक, दो साल से आज हम मेरे ही पीछे हैं। तो जब दो साल हो चुके हैं इस केस में अनुसंधान क्यों नहीं की जा रही, क्यों सजा, या तो सजा मिल जाए या तो फिर ख़त्म किया जाए केस को, लेकिन केस को कोई दिशा नहीं दी जा रही है। दिशा नहीं दी जा रही है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या है, इसका अगर हम अनुसंधान के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, डीजीपी महोदय से कर रहे हैं, डीआईजी साहब से कर रहे हैं, हमने सारे लोग मेल के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा हमने मांग किया, हमारे लोग भी गए थे डीजीपी साहब के पास मिलने के लिए, उन्हें भी दिया गया, हमने हमेशा आवाज़ उठाया कि आप मेरे केस को अनुसंधान कर लीजिए, बोकारो प्रशासन को हटाकर झारखंड की सरकार किसी और एजेंसी से जांच करवा ले, मैं दोषी होऊंगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा और सीबीआई जांच करवा ले, मैं आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप खुद प्रशासन के पास उसे जमा करके केस को ख़त्म कराने की बात क्यों नहीं सोचते। मैंने किस प्रशासन को मैंने नहीं दिया हूँ सच्चाई, जितना सच्चाई दिया हूँ सब उसका उल्टा लिखा है। मैं सीबीआई का मांग क्यों करता हूँ झारखंड सरकार से, तब ना पता चलेगा कि आपके एसपी साहब कितने किस टाइप के इंसान हैं और लोग उनको अगर जो कह रहे हैं कुछ शब्द इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। हम तो उनको दिए, अभी दो दिन पहले उनसे हमने व्हाट्सएप में पूछा था कि एसपी साहब मुझे आप जवाब दे दीजिए ये बच्चा किसका है संजय मिश्रा गोद में, जवाब नहीं दिए। हमने आपके भांजी को भी रोते हुए देखा, उन्होंने भी कुछ कहा था जो कि काफ़ी संगीन है। हमारे पास विकल्प क्या है, आप घर ढा ही दिए और कहते हैं कि एसडीपीओ का ऑर्डर था, तो 3 लाख में 2 घर को चिन्हित कर रहे हैं आप एसपी साहब, ये मुझे पता नहीं है कि ये आपका चाल है, ये चाल उनका है, या बीएसएल कहते हैं कि 20 डिसमिल के अलावा बाकी जितना भी ज़मीन है वो मेरा नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे, चलो मेरा घर गया, अगर इसके वजह से 3 लाख जनता को अगर आराम होता है तो हमें स्वीकार है, लेकिन ये चाल एसडीओ साहब का नहीं, ये स्पेशल आपके एसपी बोकारो के श्री चंदन झा जी के आदेश से हुआ है, वो अपना देखिए कलम कॉपी तो उनके हाथ में है ना, वो जो चाहे लिखवाते हैं। चलिए प्रशासनिक हो मंत्री हो ये हमारे हाथ की चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे हाथ की चीज़ें ये है कि जो हमारी धर्मपत्नी हैं हम उनको तो मना सकते हैं, तो क्या आपने प्रयत्न नहीं किया कि उनको मनाऊं मैं? नहीं नहीं मैं मनाऊंगा क्यों, अगर हमारे ऊपर FIR हुआ है उसके लिए कार्यपालिका है, पत्नी है आपकी, न्यायपालिका है, नहीं नहीं अगर उस तरह का रास्ता तो देखा जाता है, लेकिन वैसी हालात वैसी सिचुएशन तो इस वक्त नहीं है ना कि उसको हम मनाएं, जो मेरे साथ वो FIR हो गया वो करवा दिए FIR, अनुसंधान करने के लिए प्रशासन है ना, प्रशासन जातीयता क्यों कर रही है, क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान इसके वजह से। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को भी काफ़ी कुछ, जैसे कि जिस समाज में हम रहते हैं तो वहाँ पे धर्म बदल के अगर शादी की जाए तो वो काफ़ी कठिन होता है, तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों को झेल कर वो भी आगे आई होंगी और अचानक से अब ऐसा। हमने कभी उसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला, एक भी वो विटनेस दिखा दे, एक भी विटनेस जो हम कभी उसको बोले हैं मस्जिद चलो मजार पे चलो और मैं अपना तस्वीर 10 दिखा दूंगा जो मैं मंदिर गया हूँ। और एक सवाल और, कहा जाता है कि फोटो वायरल हो गया, तो एसपी साहब एक विटनेस क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिए, आप लोग का तो चार्जशीट सबमिट किए ना, तो क्यों नहीं एक वीडियो कर देते, आप पति जनक का बार बार बोलते हैं एक क्यों नहीं सबमिट कर दिए, अरे 3-4 लोग का तो चार्जशीट सबमिट किए ना एसपी साहब, तो क्यों नहीं सबमिट कर दिए उसमें। संगीन आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि आपने जबरदस्ती उनका अपहरण किया, फिर आप उनको कोऑपरेटिव लेके गए जहाँ पे जबरन उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया,
जिसमें आपके भांजे का भी नाम है। हाँ, आपके ड्राइवर का भी नाम है। ये प्रूफ कैसे देंगे? उसी बिल्डिंग में अगर वो बोल रही है कि हमको 17/1/2021-20 में उठा के लाया, तो उसी बिल्डिंग में हम 6 जनवरी का आपको प्रूफ दे रहे हैं, उसी अपार्टमेंट का 304 नंबर प्लॉट का, उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके मकान में सीसीटीवी भी मौजूद होगा, बहुत सारा लगा हुआ था, तो क्या उसके प्रूफ नहीं देखे गए? नहीं नहीं, उसके एसपी साहब से पूछे गए सवाल, मकान मालिक का स्टेटमेंट लिए, आप टावर लोकेशन क्यों नहीं लिए? अगर हमने संध्या मिश्रा को चार से उठा के लेकर आया था तो उसका टावर लोकेशन निकाल लेते। आप निकालें एसपी साहब, ऐसा नहीं कि एसपी साहब नहीं निकालें, जब हमसे वो लड़ रहे हैं तो निकाले तो निश्चित होंगे, लेकिन देखें कि आरबी मलिक तो सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हम लाना चाहते हैं जनता के सामने, वो ये है कि खुद आरजू मलिक जी क्या चाहते हैं। आरजू मलिक चाहते हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से, जो हमारे ऊपर आरोप लगा है, मैं मांग करता हूं आपसे, विनती करता हूं कि इसका सीबीआई जांच करवाया जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दोषी हूं, मुझे जो चाहे सजा दे, मैं स्वीकार करूँगा तहे दिल से। यही मेरा झारखंड के आवाम से, लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है, जिनके घर शीशे को होते हैं वो दूसरे घर कंकर नहीं मारा करते हैं। ये संध्या मिश्रा के लिए मेरा स्पेशल सब था बस।